टू सीएम जगमोहन आनंद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आपने भी एक व्यक्ति को भेजा, उससे भी जो है तहसीलदार साहब उगाही कर गए, रिश्वत ले गए, बेहद ही शर्मनाक बात है। देखिए शर्मनाक जगमोहन जी, एक अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, हालांकि अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सवाल जरूर पूछते हैं, विपक्ष भी सवाल जरूर पूछता है और हम भी खुद एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछते हैं कि 7.5 साल लेट जो है मुख्यमंत्री जी जागे हरी झंडी दिखाने में, 7.5 साल, कई ऐसे मामले सामने आए, हमने भी आपके सामने कई मामले रखे, आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उस समय भी हो सकती थी, लेकिन आज अच्छी बात है कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हर चीज की एक समय एवं सीमा होती है, सीमा के तहत एक जो कहते हैं पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो उस प्रकार की कार्रवाई होती है। जगमोहन जी अच्छी बात करी और हम भी लगातार ये पिछले 5 महीने के दौरान हम भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं विजिलेंस को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, तभी जाकर इतने बड़े लेवल के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। और आज की एक बड़ी जानकारी है कि तहसीलदार करनाल और डीटीपी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, आय से अधिक संपत्ति की भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक और एफआईआर दर्ज हुई है सर, जो पुराने जो तहसीलदार थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और डीटीपी को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वो जमानत पर है, और जानकारी यह है कि अब जो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है, रिश्वत के पैसे थे, उसको भी जल्द जब्त किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो अपना गुरु नानक देव जी जो शब्द है वही दोहराता हूँ, कहते करनी आपो अपने के नेड़े के दूर, मतलब कहने का भाव मेरा ये है कि जो लोग भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा, उनको भुगतना का उनके बच्चे भुगतेंगे। एक अहम सवाल ये है कि अच्छी बात है, हम चाहेंगे कि इस मामले में भी कार्रवाई हो, और एक मामला और आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, और पत्रकार होने के नाते हम दावा करते हैं, क्योंकि 18 साल हमें भी पत्रकारिता करते हो चुके हैं, करनाल से जुड़े हुए, हरियाणा से जुड़े हुए, करनाल स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना पैसा आया, पैसा काफी खर्च हुआ, लेकिन गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं लग पाई। अगर उसी हिसाब से अगर ईमानदारी से 100 का 100 पैसा लगा होता, चाहे नगर निगम का बात करें चाहे स्मार्ट सिटी का बात करें, तो करनाल का आज नक्शा कुछ और ही होता, लेकिन उसमें भी बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की निष्पक्ष जांच एजेंसी से या नगर निगम के कार्यों की जांच एजेंसी से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जांच एजेंसी से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी करनाल आए तो एक रूटीन में उनकी आदत है, वो डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बंद कमरे में आकर के बैठ जाते हैं, चाहे वो पूर्व में रहे उपायुक्त क्यों ना हो, कोई भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो। देखिए मैं किसी उपायुक्त की, मैं किसी वर्तमान उपायुक्त की, किसी पूर्व उपायुक्त की, मैं किसी अधिकारी की इस प्रकार का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्ट तंत्र में अगर वो संप्रेरित पाया जाता है, उसकी संभागिता पाई जाती है, उसके साथ भी मुख्यमंत्री जी वही हाल करेंगे जो एक आम आदमी के साथ जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके साथ उसको। और आपके माध्यम से मैं एक और अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आपका सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव रहता है, पूरे प्रदेश में देखा जाता है, देश विदेश में देखा जाता है, आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, कोई भी जनता अगर कोई सर किसी सरकारी अधिकारी को पैसा दे रही है, किसी भी स्तर के अधिकारी को पैसा दे रही है, वो खुल करके विजिलेंस के अधिकारी को, जिस प्रकार के विजिलेंस के अधिकारी भी आपके माध्यम से अपील करें, उनको जाकर के अपनी बात रखें, डरे नहीं। एक अहम और आखिरी सवाल ये है कि ये तो वो डिपार्टमेंट है जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, चाहे तहसील की बात करें, चाहे पटवारखाने की बात करें, या बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, इन्हीं डिपार्टमेंट से पूरे हरियाणा में जो रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी हैं, इन्हीं डिपार्टमेंट से ज़्यादा गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसे हरियाणा में और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की बात की जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, कोई शिकायत करता पब्लिक का सामने नहीं आ सकता, वो अधिकारी कर्मचारी खुद सरकारी राजस्व को चूना लगाते हैं। अब सीजन आ चुका है, लाखों करोड़ों रुपये की बोलियाँ लगेंगी, नए सेक्रेटरी लगाए जाएंगे, नए इंस्पेक्टर लगाए जाएंगे, और दागी इंस्पेक्टर, जब मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि दागी इंस्पेक्टर जिन पर पहले कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिनकी जांच कई बार चल रही है, उन्हीं को अहम मंडियां दे दी जाती हैं, अहम जिम्मेवारियां दे दी जाती है, उन पर आखिरकार कब कार्रवाई होगी? देखिए कार्रवाई की दिशा के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अधिकारी सीमित होते हैं, इन्हीं अधिकारी, मैंने पहले कहा कि इन्हीं अधिकारियों से काम लेना होता है, और कई बार क्या होता है हमारा सिस्टम ऐसा है, सबूतों के आधार पर इस प्रकार के अधिकारी अपने आप को अच्छी जगह पोस्टिंग लेने के सक्षम बन जाते हैं, उनकी सेटिंग इस प्रकार से होती है, क्योंकि ये तंत्र आज का नहीं है, ये तंत्र पिछले 70 सालों का इस प्रकार से, मतलब हमारे को उस वो तंत्र विरासत में मिला जिसको सुधारने में ये कोई जादू की छड़ी मनोहर लाल जी के पास नहीं कि रात को चलाया तो सारे आदमी का दिल बदल गया और वो ईमानदार हो गए, सारे अधिकारी ईमानदार हो। करनाल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है, और बात करें भ्रष्टाचार की, तो करनाल में भ्रष्टाचार रुकने का जहां नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसे में अगर बात करें विजिलेंस की, तो विजिलेंस भी पिछले 6 महीने से काफी अच्छा कार्य करती हुई नजर आ रही है, कई ऐसे रिश्वतखोर अधिकारी व कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, और अकेले 5 महीने के दौरान करनाल के ही
करनाल के दोनों तहसीलदार, पहले तहसीलदार राजबक्स और अब के तहसीलदार की अगर बात करें तो निखिल सिंगला को भी जो है गिरफ्तार करके आज एक दिन का रिमांड लिया गया है। लेकिन दूसरी बात एक ये है कि इन अधिकारियों के खून मुंह ऐसा लग चुका है कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, उनके कहने के बावजूद भी एक व्यक्ति से इन्होंने पैसे ले लिए। ये चीज जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि किस तरह से मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि हैं और उनके कहने पर भी एक व्यक्ति रजिस्ट्री कराने जरूर जाता है लेकिन उसको भी बख्शा नहीं जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की जनता हो या करनाल की जनता हो, इन तहसीलदारों के चंगुल में जब भी कोई फंसता है तो वो चढ़ावा चढ़ाकर जरूर आता है। इस समय मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम जगमोहन आनंद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आपने भी एक व्यक्ति को भेजा, उससे भी जो है तहसीलदार साहब उगाही कर गए, रिश्वत ले गए, बेहद ही शर्मनाक बात है। नहीं देखिए, शर्मनाक बात है तभी तो आज ये काबू है। अपनी आदतें अगर ये लोग नहीं सुधार रहे हैं, मैंने कल भी एक अपना सोशल मीडिया के चैनल को अपनी बात रखी थी, उनका जब टेलीफोन आया मैं बाहर था करनाल से, आज भी आपके माध्यम से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए विजिलेंस अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ कर रही है और ऐसे अधिकारी तभी काम कर पाते हैं जब उनको मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरी अपना ग्रीन सिग्नल होता है, उनको खुली हैंड छूट दी जाती है कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचें और दूध का दूध और पानी का पानी जो उनसे वो करें। जनता की मेहनत की कमाई, जनता बड़ी ईमानदारी के साथ अपना पैसा कमाती है, वो सरकार को टैक्स देती है, सरकार चलाने में उनका सहयोग रहता है और ऐसे भ्रष्ट तंत्र को तहस नहस करने का काम जो इसका बीड़ा उठाया हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया हुआ है। मैं लगातार आपके चैनल पे भी और सोशल मीडिया के चैनल पे भी और अखबार वालों को ये कहता आया हूँ कि कोई भी ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है आप उनका संज्ञान विजिलेंस को देते रहिए। अगर जितनी बार 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 आप सब लोग बोलते हैं कि सीएम सिटी के अंदर, देखिए कोई सीएम सिटी के अंदर कोई जादू नहीं है, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र है, अधिकारी यही लोग हैं, काम इन लोगों ने करना है, काम इन लोगों से हमको लेना है। ये अगर ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो प्रशासन अच्छा चलेगा। ऐसे लोग अगर भ्रष्ट तंत्र से अगर ये अपना काम करेंगे तो जो है वो सरकार की बदनामी होती है और जब सरकार की बदनामी होगी वो मनोहर लाल जी को बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे अधिकारियों के पूरे रडार पर मैं आपको पहले भी बोलता रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी कह रहा हूं कि या तो ये व्यक्ति ऐसे इस प्रकार के जो अधिकारी हैं वो अपने आप को सुधार लें या वो हरियाणा छोड़ करके चले जाएं। भ्रष्ट अधिकारी को हम किसी भी सूरत पे करनाल में नहीं रहने देंगे। जगमोहन जी अच्छी बात करी और हम भी लगातार ये पिछले 5 महीने के दौरान हम भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं विजिलेंस को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, तभी जाकर इतने बड़े लेवल के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। और आज की एक बड़ी जानकारी है कि तहसीलदार करनाल और डीटीपी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, आय से अधिक संपत्ति की भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक और एफआईआर दर्ज हुई है सर, जो पुराने जो तहसीलदार थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और डीटीपी को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वो जमानत पर है। और जानकारी यह है कि अब जो करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है, रिश्वत के पैसे थे, उसको भी जल्द जब्त किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो अपना गुरु नानक देव जी जो शब्द है वही दोहराता हूँ, कहते करनी आप अपनी के नेड़े के दूर। मतलब कहने का भाव मेरा ये है कि जो लोग भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको भुगतना पड़ेगा, उनको भुगतना का उनके बच्चे भुगतेंगे। इस प्रकार का भ्रष्ट तंत्र के अंदर जो नंगा नाच आज से पहले तक चलता रहा, जो अब चल रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन अधिकारियों को, ये देखिए किसी न किसी दिन कोई ना कोई सीमा होती है, कोई आज नहीं है तो कोई कल अपना पकड़ा जाएगा। ऐसे लोगों को अपना सुधार करना चाहिए। ईमानदारी से सरकार इनको अच्छी तनख्वाही दे रही है, अच्छी ये लोग सैलरी ले रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि ईमानदारी के साथ सरकार का जनप्रतिनिधियों के रूप में ये लोग अपना रिप्रेजेंट करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट को और जनता के प्रति जवाब दे। मुख्यमंत्री जी करनाल के अंदर, करनाल से अपना जनप्रतिनिधि हैं और उनको मुख्यमंत्री, यहाँ से वो विधायक बने तो ही मुख्यमंत्री बने। आज जब वो मुख्यमंत्री होकर के चंडीगढ़ बैठते हैं तो वो ये एक स्वच्छ प्रशासन देना उनका दायित्व बनता है, उसी के नाते वो आदेश इस प्रकार के उन्होंने पारित किए हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ते रहें। निखिल सिंगला की जहाँ तक आपने बात की इस अधिकारी के लिए, मैंने स्वयं से इनको टेलीफोन किया था कि एक अमुक व्यक्ति की रजिस्ट्री, हम सार्वजनिक जीवन में हम लोगों को, लोग हमारे पास आते हैं काम के लिए आते हैं, हम लोगों को टेलीफोन करने होते हैं, हम लोगों के काम आने के लिए हम लोगों को यहाँ बिठाए और जिम्मेवारियाँ दी हुई। तो हमने जब टेलीफोन किया, मैंने उनको टेलीफोन किया, मैंने उनको 5 दिन बाद 6 दिन बाद जब मुझे पता लगता है कि भी वो व्यक्ति ने भी पैसे देकर, क्योंकि उसकी कागजों में कमी निकालना स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कि ये कमी है ये कमी है, तो ऐसे निकाल के उन्होंने बताने के बाद क्या हुआ कि मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा जगमोहन जी मैंने तो ऐसे ऐसे करके पैसे दिए। मैंने स्वयं से इनको आगे चल कर टेलीफोन किया, नहीं तो कोई इतनी बात करता नहीं है। मैंने स्वयं से इनसे बात की, मैं कहा जी आपने पैसे लेकर के जो उनसे इनकी रजिस्ट्री की और ये कमी निकाली? कह रहे नहीं, आपको कौन कहता है? मैं कहा मैं आपको पूरे, अब मेरे पास इन चीज़ों का सबूत हो नहीं सकता, देखिए कभी रिश्वत कोई सबूत के आधार पर तो नहीं जाती, सबूत अब सामने आ गए। लेकिन कोई विश्वास वाला आदमी होगा जिसको आपने कहा होगा
कि आप जाइए रजिस्ट्री कराइए, और वो भी आपको विश्वास में उन्होंने बात बताई होगी कि पैसे दिए हैं तभी रजिस्ट्री हुई है। कमल जी नॉर्मली क्या होता है कि लोग, जनता बड़ी भोली भाली है, जनता चाहती है मेरा काम हो जाए, वो पैसे जाते बताते नहीं है। लेकिन क्या है कि भी मुझे कहीं से कहीं मुझे खड़का था, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि भी अब जब किसी व्यक्ति को अगर आप भेज रहे हो और उसका काम हो जाता है ना, तो उसका वापस पलट के टेलीफोन आ जाता है कि धन्यवाद जी मेरा काम। एक हफ्ते से उनका टेलीफोन नहीं आया, तो मैंने सहजता से पूछ लिया, मैं आपका काम हो गया? उनका क्या जगमोहन जी काम हो गया, वो तो 5 कमियाँ और निकाल दी और मेरे से इस प्रकार से पैसे ली। मैंने तुरंत उन्होंने मना किया कि आप मत टेलीफोन करना, क्या भी चलो पैसे दे करके तो काम हो। लेकिन मुझे पीड़ा थी कि मेरे शहर के अंदर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी अगर रहेंगे, ये आज एक काम किया कल 10 और इस प्रकार के लोगों को तंग करेंगे, तो ऐसा जो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तो मैंने इनको टेलीफोन किया और टेलीफोन करने के बाद मैंने इनको कहा कि आपने पैसे लेकर के काम किया। कौन कहता है? अब मेरे पास कौन का सबूत नहीं होता, सबूत तो अब इनके अधिकारी जो खुद पकड़े, उन्होंने उनका नाम लिया है। हालांकि जांच का विषय, विजिलेंस अपनी जांच करेगी, सबूत सबके सामने आ ही चुका है। देखिए मैंने कहा कि देर भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऐसा कोई भी भ्रष्ट अधिकारी है, चलो ये तो एक, हम तो एक अपना उदाहरण देते हैं, ऐसे पता नहीं कितने इन्होंने गरीब लोगों को, कितने पीड़ितों को, कितने आम जन को इन्होंने इस प्रकार से अपना इनकी। अच्छा इसे एक बात और है कि लगातार शिकायतें आ रही थी, और इस मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसे अधिकारी पूरे रडार, हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति को मतलब हर अधिकारी की रिपोर्ट देना, हर अधिकारी के बारे में बात करना, छोटा शहर है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। छोटे ऐसे अधिकारी आपके माध्यम से आप रोज आवाज़ उठाते हो, सोशल मीडिया आवाज़ उठाते हैं, तो हम ये सारी बातें जो एक संज्ञान बना करके मुख्यमंत्री जब यहाँ आते हैं या टेलीफोन पर कोई जरूरी होती है तो हम उनके संज्ञान में लाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को भी सबूत चाहिए, सबूतों के आधार पर कार्रवाई है, कोई ये बात नहीं कि जगमोहन जी ने कह दिया या आपने कह दिया। या अब जब सबूत विजिलेंस ने रंगे हाथों एक अधिकारी को पकड़ा और वो अधिकारी नाम ले रहा, अब वो जांच के अंदर अपना अपना जो कबूलनामा अगर किया होगा तो वो रखेंगे। अब ये चीज़ें उन अधिकारियों, उन विजिलेंस अधिकारियों को जांच का विषय है कि वो उनसे कितना सच गुलवा सकते हैं, कितनी बात रख सकते हैं। एक अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, हालांकि अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सवाल जरूर पूछते हैं, विपक्ष भी सवाल जरूर पूछता है, और हम भी खुद एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछते हैं कि 7.5 साल लेट जो है मुख्यमंत्री जी जागे हरी झंडी दिखाने में, 7.5 साल कई ऐसे मामले सामने आए, हमने भी आपके सामने कई मामले रखे, आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उस समय भी हो सकती थी, लेकिन आज अच्छी बात है कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हर चीज की एक समय एवं सीमा होती है, सीमा के तहत एक जो कहते हैं पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो उस प्रकार की कार्रवाई होती है। मुझे बताइए इससे पहले, मैं अगर कांग्रेस राज की बात करूँ, ये नहीं मैं कहता कि आज मैं किसी और को दोष दूँ, इससे पहले कांग्रेस राज में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, कितने घोटाले हुए, क्या उन अधिकारियों ने पैसे नहीं लिए? मुझे एक भी इस प्रकार का उदाहरण दे दें कि भी वो इस अधिकारी को विजिलेंस ने चार्जशीट किया हो, नहीं तो शहर के अंदर 2 मिनट में सिफारिश आ जाती है, मुख्यमंत्री जी का शहर है, बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, अधिकारियों को बचाने के लिए वो SP साहब को टेलीफोन कर सकते हैं, विजिलेंस के अधिकारियों को टेलीफोन कर सकते हैं, ऐसे अधिकारियों की पहुँच ऊपर तक होती है वो ऊपर, लेकिन ऊपर अब कौन है? ऊपर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। उन अधिकारियों ने भी शायद देख लिया था कि 7.5 साल किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और अधिकारी भी जो है मुंह बड़े हो गए थे, उनके मुंह खोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, उनको पता कार्रवाई तो होनी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है अब कार्रवाई होनी शुरू हुई, और उम्मीद करते हैं कि आगे की कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी और कम से कम जो भ्रष्टाचार है उस पर रोक लग पाएगी। नहीं देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का डंडा है, मुख्यमंत्री जी की चक्की है, थोड़ी देर जरूर लगाती है लेकिन पीसती बहुत महीन है। ऐसे ऐसे अधिकारी जो घोटाला कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी रडार पर जीरो टॉलरेंस के ऊपर सरकार है, और ऐसे अधिकारी मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा के, करनाल के नहीं, ऐसे सब अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूं, अपनी कार्यशैली में तब्दीली लाएं, अपने काम में ईमानदारी लाएं, अपने काम में स्वच्छता लेके आएं, अपने काम में जनता के प्रति जवाबदेही तय करें, अदरवाइज मुख्यमंत्री जी ऐसे सब अधिकारी उनके रडार पर हैं, कोई आज कोई कल कोई परसों अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको उसकी सजा कानून के तहत अवश्य मिलेगी। एक अहम सवाल ये है कि अच्छी बात है हम चाहेंगे कि इस मामले में भी कार्रवाई हो, और एक मामला और आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे, और पत्रकार होने के नाते हम दावा करते हैं, क्योंकि 18 साल हमें भी पत्रकारिता करते हो चुके हैं, करनाल से जुड़े हुए, हरियाणा से जुड़े हुए, करनाल स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना पैसा आया, पैसा काफी खर्च हुआ, लेकिन गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं लग पाई। अगर उसी हिसाब से अगर ईमानदारी से 100 का 100 पैसा लगा होता, चाहे नगर निगम का बात करें चाहे स्मार्ट सिटी का बात करें, तो करनाल का आज नक्शा कुछ और ही होता, लेकिन उसमें भी बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की निष्पक्ष जांच एजेंसी से या नगर निगम के कार्यों की जांच एजेंसी से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जांच एजेंसी से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी करनाल आए तो एक रूटीन में उनकी आदत है, वो डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बंद कमरे में आकर के बैठ जाते हैं,
जब वो अधिकारियों के साथ बैठते हैं, हम लोगों के साथ बैठते हैं, तो एक एक पिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होती है। तो उन्होंने बताया, और आपने पीछे दिनों देखा गुड़गांव में उन्होंने घोषणा भी की, जितनी भी ठेकेदार हैं या जितने भी ये ठेके जो उनसे सस्ते लिए जा रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने जाँच का बिठाई कि भाई इतने सस्ते अगर जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, और अगर कोई महंगे जा रहे हैं वो ठेका ले लेता है और उसके बाद बीच में काम रोक देता है, उसके बाद ठेकेदार और डिमांड करता है, उनकी भी सूची उन्होंने बनानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं, लेकिन एक दायरा बहुत बड़ा होता है प्रदेश को चलाने के लिए, काम करने के लिए। स्मार्ट सिटी के तहत आप लोग सब रोज जो अपना रिपोर्ट्स दिखा रहे हो उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा संज्ञान है, और आप देर सवेर देखेंगे इसकी भी आपके सामने नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। एक रुपए का भी कहीं भ्रष्टाचार कोई लिप्त पाया गया उसको बख्शा नहीं जाएगा। हर एक चीज़ की गुणवत्ता के ऊपर, चाहे वो सड़क बनाने से लेकर के, बिल्डिंग बनाने से लेकर के, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, चाहे कहीं भी कोई पैसा सरकार का जो सरकारी पैसा है उसका कहीं भी कोई अधिकारी दुरुपयोग कर रहा है या उसने दुरुपयोग किया होगा, उसके घर से उसके जबड़े से खींच करके लाएंगे, ये मैं आपको विश्वास। चाहे वो पूर्व में रहे उपायुक्त क्यों ना हो, कोई भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो। देखिए, मैं किसी उपायुक्त की, मैं किसी वर्तमान उपायुक्त की, किसी पूर्व उपायुक्त की, मैं किसी अधिकारी की इस प्रकार का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा राजनेता क्यों ना हो, अगर वो भ्रष्ट तंत्र में अगर वो संपर्क पाया जाता है, उसकी संभागिता पाई जाती है, उसके साथ भी मुख्यमंत्री जी वही हाल करेंगे जो एक आम आदमी के साथ जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके साथ उसको चला रहा है। सवाल, पिछले 6 महीने से जो विजिलेंस पूरे हरियाणा में कार्रवाई कर रही है मुख्यमंत्री के कहे अनुसार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरी हरी झंडी दे रखी है कि आप पूरी कार्रवाई करें, किसी तरह का कोई दबाव ना माने, इस पर अब विपक्ष भी 6 महीने से चुप है, क्योंकि कार्रवाइयां देख जरूर रहा है लेकिन उनके पास भी अब कोई सवाल शायद भ्रष्टाचार को लेकर बचा नहीं है कि वो सरकार पर उंगली उठा पाए, क्योंकि सरकार अपने आप एक अच्छा कार्य करती हुई नजर आ रही है। मेरे पास ऐसे कई विपक्ष के लोगों का टेलीफोन आता है, मैं आपको बताऊं, मुझे अब ये मैंने क्या कहा है, विपक्ष के लोगों के साथ हमारे संबंध बड़े मधुर हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के हों। करनाल शहर की बात करें, मेरे उनसे संबंध बहुत मधुर हैं, वो सब दबी जुबान में एक बात अवश्य कहते हैं, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि भाई मनोहर लाल जैसा ईमानदार व्यक्ति, मनोहर लाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिल सकता। ये अपने आप में, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं कह रहे, ये आम जनता भी कहती है और विपक्ष के लोग भी कहते हैं। लेकिन अब जब नतीजे आने लगे, अब लोग और ऐसे नहीं लोग, उनके लोगों में से भी कई टेलीफोन आते हैं कि आप इनकी सिफारिश करो जी, ऐसे करके पकड़े गए, इन लोगों ने काम किया, लेकिन जब उनको पता कि भी कुछ होना ही नहीं, भ्रष्ट आदमी को मुख्यमंत्री जी बख्शने वाले नहीं है, तो विपक्ष के लोगों को भी चला करके अगर टेलीफोन आ रहे हैं तो इसका मतलब सरकार सही दिशा में काम कर रही है। भ्रष्टाचार की कार्रवाई को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है, आने वाले हरियाणा में जो भी चुनाव होंगे वो इसी मुद्दे पर मेन फोकस रहेगा। देखिए, मुद्दा डेवलपमेंट का होता है। देखिए, ये भी एक अपने आप में, मैं इसको चुनावी मुद्दा नहीं मानता हूँ, सरकार का एक दायित्व बनता है। मुख्यमंत्री जी उस कुर्सी पर हैं, वो कस्टोडियन है हरियाणा प्रदेश के, वो आम जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई के कस्टोडियन हैं। अब इसमें आप लोग कहते हैं कि भी 7.5 साल हो गए तो या 8 साल हो गए तो भी इस तरह की कार्रवाई, धीरे धीरे हर काम को अंजाम दिया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा संदेश है आपके माध्यम से। मैं फिर कहता हूँ, पूरे हरियाणा के अधिकारियों को ये चीज़ समझनी चाहिए, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे नहीं कि हरियाणा में सभी लोग हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, 1% 2% होते हैं जो पूरे इस प्रकार के अधिकारियों को, ऐसा नहीं कि कोई तहसीलदार ईमानदार, कई तहसीलदार ऐसे हैं जो चाय का कप भी नहीं पीते। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके माध्यम से मैं एक ये अपील करना चाहता हूँ आम जनता को भी और उन अधिकारियों को भी, कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को छोड़ करके आप ये मान के चलें कि राम राज्य की सरकार है, मनोहर लाल के राज्य में चलने वाली इस प्रकार की गड़बड़ आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन देर सवेर आपको इसके नतीजे जरूर भुगतने पड़ेंगे। सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अधिकारी को ये जिम्मेवारी में अपना लेनी चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करें। और आपके माध्यम से मैं एक और अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आपका सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव रहता है, पूरे प्रदेश में देखा जाता है, देश विदेश में देखा जाता है, आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा, कोई भी जनता अगर कोई सर किसी सरकारी अधिकारी को पैसा दे रही है, किसी भी स्तर के अधिकारी को पैसा दे रही है, वो खुल करके विजिलेंस के अधिकारी को, जिस प्रकार के विजिलेंस के अधिकारी भी आपके माध्यम से अपील करें, उनको जाकर के अपनी बात रखें, डरे नहीं। अगर आप डरेंगे, आप किसी न किसी प्रकार के आप भी पाप के भागी बनेंगे, आप भी उतने जुर्मवार हैं, आपकी भी अंतरात्मा उस प्रकार को आपको झकझोरेगी। आप उसको पैसे जरूर दें, देने के बाद एक बार बताएं, उसका सबूत रखें, कोई इस प्रकार की रिकॉर्डिंग रखें, वो चाहे मेरे को ला करके दें, चाहे अपना मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे प्रतिनिधि बैठते हैं उनको दें, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जिला अध्यक्ष उनको ला करके दें, जिस प्रकार के अधिकारी को सबूत के साथ आप देंगे, मैं निश्चित तौर पे आपके माध्यम से कहता हूँ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बिल्कुल सजा दिलाने का हम काम करेंगे। सर, एक अहम और आखिरी सवाल ये है कि ये तो वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होती है, चाहे तहसील की बात करें, चाहे पटवार खाने की बात करें या बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, इन्हीं
डिपार्टमेंट से पूरे हरियाणा में जो रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी हैं इन्हीं डिपार्टमेंट से ज़्यादा गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन कई ऐसे हरियाणा में और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की बात की जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। कोई शिकायत करता पब्लिक का सामने नहीं आ सकता, वो अधिकारी कर्मचारी खुद सरकारी राजस्व को चूना लगाते हैं। अब सीजन आ चुका है, लाखों करोड़ों रुपये की बोलियाँ लगेंगी, नए सेक्रेटरी लगाए जाएंगे, नए इंस्पेक्टर लगाए जाएंगे, और दागी इंस्पेक्टर, जब मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि दागी इंस्पेक्टर जिन पर पहले कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिनकी जांच कई बार चल रही है, उन्हीं को अहम मंडियां दे दी जाती हैं, अहम जिम्मेवारियां दे दी जाती है, उन पर आखिरकार कब कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई की दिशा के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अधिकारी सीमित होते हैं, इन्हीं अधिकारी, मैंने पहले कहा कि इन्हीं अधिकारियों से काम लेना होता है, और कई बार क्या होता है हमारा सिस्टम ऐसा है सबूतों के आधार पर इस प्रकार के अधिकारी अपने आप को अच्छी जगह पोस्टिंग लेने के सक्षम बन जाते हैं, उनकी सेटिंग इस प्रकार से होती है, क्योंकि ये तंत्र आज का नहीं है, ये तंत्र पिछले 70 सालों का इस प्रकार से, मतलब हमारे को उस वो तंत्र विरासत में मिला जिसको सुधारने में ये कोई जादू की छड़ी मनोहर लाल जी के पास नहीं कि रात को चलाया तो सारे आदमी का दिल बदल गया और वो ईमानदार हो गए, सारे अधिकारी ईमानदार हो। हम उस चीज़ पे भी पूरा निगाह लगे। मैं आपके आपको भी ये साधुवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ ऐसे अधिकारियों की, आप हमारे को सूची बना करके देते रहे, हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी तक अभी अवश्य भेजते रहेंगे कि इन अधिकारियों को अच्छी जगह पोस्टिंग देने से पहले इनकी जांच पड़ताल कर ली जाए ताकि ये ईमानदारी से काम करें, और जो ऐसे अधिकारी जो काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, सिस्टम के अंदर ईमानदारी नहीं बरतते हैं, उनको कहीं ना कहीं खुडे लाइन लगा करके रखें ताकि आम जनता को, आम व्यक्ति को इनके पाप का भागी ना बनना। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये जो आखिरी सवाल है ये हमारे मुख्यमंत्री साहब भी जरूर देखेंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई मीटिंग अगर वह करेंगे अपनी प्रशासन के साथ तो उसमें ये अहम सवाल होगा कि कई ऐसे डिपार्टमेंट्स बच चुके हैं जहां पर विजिलेंस की जांच नहीं पहुंच जा पाती क्योंकि वहां पर आम आदमी डीलिंग नहीं करता, शिकायत करता फिर कौन बनेगा, वो गरीबों का राशन डकारे जा रहे हैं, दागी हो चुके हैं, लेकिन दागी होने के बावजूद भी उनको अहम स्टेशन दे दिए जाते हैं। अभी सीजन आ रहा है, इस सीजन में भी आप देखेंगे जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने पहले गेहूं आटा चोरी किया, धान चोरी किया, उनको अब दोबारा से अहम जिम्मेवारियां दे दी जाएंगी, इस पर भी मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेना होगा, और ऐसे अधिकारियों को भी किस तरह से रडार में लिया जाए, कैसे इनको पकड़ा जाए, उस पर भी कोई ना कोई ठोस रणनीति जरूर बनानी पड़ेगी। हमारी आप लोगों से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।